के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की खासियत ये है कि वो पोल्यूशन नहीं करते, वहीं एक खासियत ये भी है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो डिज़ाइन है उसके साथ काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट करने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाली थी कि होंडा मोटोकॉर्प ने एक कंसेप्ट व्हीकल दिखाया, इसको 2-in-1 व्हीकल हम कह रहे थे, जिसका नाम था क्वार्क वन, जो कि एक क्लास चेंजिंग व्हीकल था। मीन्स अगर आप उसको सिंगल यूज़ करते हो तो एज ए इलेक्ट्रिकल स्कूटर यूज़ कर सकते हो, अगर कंबाइंड यूज़ करते हो तो आप उसको एज ए थ्री व्हीलर यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल ऐसी एक नया अपडेट निकल कर आया है, वो है रिनोल्ट की तरफ से। उन्होंने भी एक ऐसे ही शेप चेंजिंग और रेंज एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिकल कार का कंसेप्ट शो किया है। आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। और इस शेप चेंजिंग और रेंज एक्सटेंडिंग कंसेप्ट इलेक्ट्रिकल कार का नाम है रिनोल्ट मोर्फोज, MORPHOZ, रिनोल्ट मोर्फोज इसका नाम रखा गया है। पहले बात करते हैं शेप चेंजिंग, शेप कैसे करती है, साइज कैसे बदलती है ये इलेक्ट्रिकल कार। इसकी लेंथ बढ़ जाती है, इसमें दो तरह के मोड काम करते हैं। सिटी मोड में जो इसकी नॉर्मल लेंथ है वो रहेगी 4.4 मीटर और इसमें जो व्हील बेस रहेगा 2.73 मीटर का रहेगा। वहीं जब हम ट्रेवल मोड में आते हैं तो इसकी रेंज, इसकी माफ कीजिए, इसकी शेप, इसकी जो लेंथ है वो एक्सटेंड हो जाती है, जैसा कि आप इन वीडियोज में देख रहे हो। इसकी लेंथ बढ़कर 4.8 मीटर यानी कि रफली 400 mm इसकी लेंथ बढ़ जाती है और व्हील बेस भी बढ़कर 2.93 मीटर का हो जाता है। इसके अलावा अदर्स इसके जो बड़े कमाल के फीचर्स हैं उनकी बात करें, इसके जो फ्रंट पैसेंजर सीट है वो 90 डिग्री टर्न हो जाती है और घूमकर जो बैक साइड आपकी सीट है उसके आमने सामने ये आ जाती हैं। इसमें 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम रहता है। लेवल 3 का ऑटोनोमस आपको यहाँ इस व्हीकल में मिलेगा, यह भी कंसेप्ट है। इसके लॉन्च डेट अभी कुछ कन्फर्म नहीं किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स इसमें रहेंगे, मीन्स किसी भी तरह की कीज यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की गई है। आपकी जो बॉडी की सेंसर है या आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही सेंस कर ये सेंसर विंडोज को ओपन कर देंगे, है ना दोस्तों, कमाल की बात। अब बात करते हैं कि शेप चेंजिंग का तो हमें कन्फर्म हो गया, रेंज एक्सटेंडेड कैसे है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्टेशन बनाए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर। सिटी मोड में जहां इसमें 40 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक रहेगा जो तकरीबन 400 किलोमीटर की रेंज देगा, वहीं जब आपने कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जाना है ट्रेवल मोड में आपको इन स्टेशंस पर जाना होगा, जहां पर विद इन 5 मिनट्स एक एक्स्ट्रा बैटरी इसमें लगा दी जाएगी 50 किलोवाट आवर की, जो कि जिससे कि जिसकी रेंज है तकरीबन 700 किलोमीटर की हो जाएगी। और अब दोनों बैटरी पैक को मिलाकर 90 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक हो जाएगा, जिससे आपको 700 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज आपको यहां मिलने वाली है। इतना नहीं दोस्तों, जो इसकी मोटर है वो भी मोड के हिसाब से काम करेगी। सिटी मोड में मैक्सिमम पावर 100 किलोवाट की ये मोटर प्रोड्यूस करने वाली है, लेकिन वहीं ट्रेवल मोड में यही मोटर सेम 160 किलोवाट की मैक्सिमम पावर देगी और बिल्कुल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको यहाँ ज्यादा मिलने वाली है ट्रेवल मोड में। इसके अलावा रिनोल्ट वायरलेस चार्जिंग पर भी काम कर रही है, जो इंडक्शन है उससे वायरलेस इस सारे सिस्टम को चार्ज किया जाएगा बैटरीज को, और इसके लिए स्पेशली रोड्स को भी डिजाइन किया जा रहा है। और ये सारा जो कंसेप्ट है ये ज्वाइंट वेंचर है रिनोल्ट निसान और मित्सुबिशी मिलकर ये सारा मिक्स्ड प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो नया सेगमेंट आगे निकल कर आ रहा है वो मिक्स्ड प्लेटफॉर्म ही है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हीरो का कंसेप्ट 2-in-1 इलेक्ट्रिकल व्हीकल था जिसमें बिल्कुल मिक्स्ड प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल किया गया था। मीन्स अगर आप सिंगल हैंड यूज करते हो तो इलेक्ट्रिकल स्कूटर, अगर कंबाइंड यूज करते हो तो आप इसको एज ए थ्री व्हीलर यूज कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही मिक्स्ड प्लेटफॉर्म को आगे चलकर आगे आई थिंक इस पर नए नए डिजाइनिंग और आगे मार्केट में आएंगे और उनको एक्चुअल में मार्केट में लॉन्च भी किया जाएगा। तो ये था ओवरऑल आज का अपडेट दोस्तों। आपको कुछ अच्छा लगा हो, हटकर लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।